हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बेस्ट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एम्स बीएससी नर्सिंग, और यही बुक लिस्ट और यही स्ट्रैटेजी आप लोग एमएनएस के एग्ज़ाम के लिए जो नीट के थ्रू होने वाला है उसमें भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इसमें जो बीएससी नर्सिंग है इसमें आपका फिजिक्स और उसके बाद आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीन ही सब्जेक्ट इसमें आपके आएंगे, प्लस 10 मार्क्स की आपकी जीके रहती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे। ये एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन मोड में होता है, तो इसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। जीके इज़ ओनली 10 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले तो देखिए बेस्ट सोर्स होता है एनसीईआरटी, जो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए देखिए फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की आपकी 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटीज हैं ये आपको अच्छे से करनी होगी। बायो में जूलॉजी, बॉटनी, सारा कुछ आपको अच्छे से करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आप ये बुक तो हर कोई फॉलो करेगा एनसीईआरटी, आप सबसे पहले क्या करिए 10 ईयर का जो एम्स का पीवाईक्यू है जिसमें आपको मिल जाए, कहीं भी किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का, जैसे ये आर गुप्ता पब्लिकेशन का है तो बहुत सारे पब्लिकेशंस के अलग अलग निकलते हैं, तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके। तो आप लोगों को इससे क्या हेल्प मिलेगी कि आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आपका वीक है, तो इसमें से आप सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा एक तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पीवाईक्यू लेंगे और उसको देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरीके से आपको करनी है। अब आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए अगर ये बुक, तो आपकी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स आपकी बुक आती है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपका एनसीईआरटी का पहले समरी एंड फिर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो जैसे ये बायो के लिए है ऐसी आपकी रेस्ट दो सब्जेक्ट के लिए भी आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है देखिए आपकी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, ये केमिस्ट्री की बुक है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे के सारे, और इसी तरीके से आपकी ये इसी तरीके से आपकी उसकी भी बुक आती है, फिजिक्स की भी बुक आती है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी बच्चे एम्स वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एम्स वाला और एमएनएस में भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप नीट के थ्रू इतना डिटेल में जाओ, तो आप यही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। आप नीट के पीवाईक्यू उठाइए, तो एम्स वाले बच्चे इसके पहले पीवाईक्यू लेंगे 10 ईयर के। ठीक है, तो 10 ईयर के मिनिमम करना है, इससे आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया फॉर एग्जांपल कि आपकी बायो स्ट्रॉन्ग है, तो बायो को अच्छे से पढ़िए, एकदम अच्छे से करिए। ठीक है, अब इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को करिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, फिर फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री, तो दोनों को आप लोग इक्वली वेटेज दीजिए। बायो को कम रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज बायो आपकी अच्छी है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सेक्शन आपका वीक है उस सेक्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, और जो कम है उस पे आपको इतना कर लेना है कि मिनिमम आपके इजी चैप्टर तो एटलीस्ट आप उन सब से कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने एक दो दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बता रखा है शेड्यूल का, जस्ट मैंने एक डेमो दिया था कि आप किस तरीके से अपना डेली स्टडी का शेड्यूल बना सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और बाकी उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी वीडियोज़ अपलोड करूँगी जल्दी। तो अब आप देखिए 10 मार्क्स की जो जीके आती है ना, तो इसके लिए अब आपको लूसेंट वाली जीके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप इस तरीके से कोई बुक खरीदेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट जीके करा दूँगी, सारे के सारे, सिर्फ 10 मार्क्स के लिए तो पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं जीके के वो मैं करा दूँगी, आपके उन वीडियो से ही हो जाएगा, तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से श्योर हो जाएंगे। ठीक है, अगर 10 नहीं भी तो आपके मिनिमम 8 मार्क्स तो एकदम श्योर हो जाएंगे, बिकॉज एक दो क्वेश्चन जीके में ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं। ठीक है, बट टारगेट रहेगा कि 10 के 10 आपके करेक्ट हो जाएं। तो अभी आपको ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और इस तरीके से आपको अपनी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, अब रही बात की मैं कब से आपके अपलोड करूँगी, अभी आई थिंक वर्डिक्ट आने वाला है कोर्ट का, जिसमें आपका रिजल्ट शायद एमएनएस प्रीवियस पैटर्न पे हो, तो उसका वेट कर लेते हैं 2-3 दिन। 5th ऑफ मई से आपके रेगुलर क्लासेस में करूँगी, और कल से मैं आपको शेड्यूल देना शुरू कर दूँगी, और इवनिंग में 6 बजे आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आज मैं रेगुलर नहीं हो पाई, आने वाले 1-2 दिन से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उसमें मैं आपको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फैक्ट्स मैं आपको करा दूँगी, रेस्ट आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। उसके लिए कैसे करना है मैंने एक डेमो वीडियो भी 2-3 दिन पहले लाइव सेशन में लिया था, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने बनाया है पर डे वाइज, उसमें 2 दिन आपके रिविजन और मॉक टेस्ट को ही है, वो दो दिन भी आप लोग अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर दिए, मैंने जस्ट एक सैम्पल आपको सेंड किया था। ठीक है, तो ये बुक्स हैं मेनली जो आपको फॉलो करनी है, कुछ लेना लें, एटलीस्ट पीवाईक्यू जरूर ले लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू।